दोस्तों आप देख सकते हो ये हीरो की जो डेस्टिनी स्कूटी है, ये स्कूटी का इंजन खुला हुआ पड़ा है स्ट्रे में, और इसके जो इंजन का अंदर का जो क्रैंक है, एक क्रैंक यहाँ पर पड़ा है। इस क्रैंक का साउंड बहुत ज़्यादा चले आया है, इसीलिए क्रैंक को रिपेयर करने हैं। आप साउंड सुन सकते हो कैसे साउंड आया है, पकड़। दोस्तों इसके आवाज़ ठक ठक करके आ रही है। कनेक्टिंग रॉड्स का जो बूस है, बूस में फ्री प्ले आया है, इसे चेंज करनी है और लेस से काम करा के लाके इसे फिटिंग करनी है। दोस्तों आप देख सकते हो स्कूटी जो हीरो का डेस्टिनी था, डेस्टिनी का लेथ का पूरा काम हो गया है। देख सकते हो जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी बोरिंग हो चुका है, और इसके साथ में ये पिस्टोन नया डाल चुके हैं। पिस्टोन नया है, इस ब्लॉक पे इस पिस्टोन को डाला जाएगा। और ये हेड भी देख सकते हो, हेड भी पॉलिश हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह सही ढंग से पॉलिश हो चुका है। इसके जो दो गाइड है, गाइड भी चेंज हो चुका है। दोस्तों लिफ्ट से काम कराने के बाद क्रैंक की साउंड आप देख सकते हो, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, और फ्री प्ले भी नहीं है। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से ये घूम रहा है, ये भी फ्री है, लेकिन जो फ्री प्ले है, फ्री प्ले बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों फुल इंजन खुला पड़ा है, आप देख सकते हो। अब आगे आगे की वीडियो में इंजन फिटिंग करने की, अब दोस्तों आगे फुल इंजन फिटिंग की वीडियो देखिए। सो दोस्तों फुल इंजन फिटिंग करने की पूरी वीडियो आगे देखिए। सबसे पहले हेड फिटिंग करनी है। हेड फिटिंग करने के लिए सबसे पहले इस वाशर को गाइड पर लगाने पड़ेगा, उसके बाद में ऑयल सील दोस्तों इस तरह से यहाँ लगानी होगी। उसको ऑयल सील लगाने के बाद दोस्तों हमें बेल्ब को लगानी है। उसको बेल्ब लगाने से पहले दोस्तों थोड़ा सा इंजन ऑयल लेके इस तरह से यहाँ लगानी है। उसको दोस्तों हमें इस तरह से यहाँ बेल्ब को घुसा लेना चाहिए। बेल्ब लगाते वक्त लगा के देख लेंगे कंप्रेसर ठीक है या नहीं। आप देख सकते हो कंप्रेसर पूरी तरह से ठीक है। दोस्तों स्प्रिंग को लगानी है। स्प्रिंग लगाने के बाद टॉप की वाशर लेना है। टॉप का जो वाशर है दोस्तों आप देख सकते हो थोड़ी सी छोटी वाशर है टॉप की। दोस्तों इस तरह से पेपर की मदद से एक प्लग रेंज लेना है, लेकिन इस तरह से यहाँ लॉक को फिट करना है बेल्ट में। दोस्तों आप देख सकते हो इजीली जो यहाँ बेल्ट का लॉक है वो बैठ चुका है। सेम तरीके से दोस्तों हमें दूसरी बेल्ट सेटिंग करनी है। उसको दोस्तों आप देख सकते हो दो बेल्ट फिटिंग हो चुकी है, एक इनलेट की साइड की बेल्ट, एक एग्जेट की साइड की बेल्ट, दो फिटिंग हो चुका है। इजीली तरीके से फिटिंग हो चुका है। दोस्तों इसको फिटिंग करने का कूलर भी है, कूलर से जब फिटिंग करेंगे वो बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने की है इस तरीके से। दोस्तों इसके बाद हमें कैमशाफ्ट फिटिंग करनी है। कैमशाफ्ट फिटिंग करने का कैमशाफ्ट फिटिंग करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, कैमशाफ्ट को इस तरीके से घुसानी है इसके अंदर, वरना नहीं घुसेगा। अब देख सकते हो दोस्तों कैम बिल्कुल सही तरह से बैठ चुका है। कैम सेप लगाने के बाद यहाँ इसका जो गाइड है, ये वाशर कैम सेप को गाइड करके रखता है। इस तरह से वाशर को लगा लेनी है उसको। इसके बाद दोस्तों हमें दो रोकार फिट करनी है। दो रोकार फिट करने से पहले कैम सेप को फ्री प्ले रखना चाहिए। देख सकते हो ये है कैम सेप का फ्री प्ले पोजिशन। अब हमें रोकार फिट करने हैं। ये दोस्तों एग्जस्ट की तरफ की रोकर को इस तरह से यहाँ फिट करके इसके बूस इसके अंदर डालनी है। दोस्तों कैमशाफ्ट जब फ्री रहेगा तो आपका टेपिट भी यहाँ फ्री रहेगा। देख सकते हो कैमशाफ्ट फ्री है, कैमशाफ्ट फ्री रहेगा तो टेपिट भी फ्री रहेगा, तो आपका हेड फिटिंग ठीक रहेगा। सेम तरीके से दोस्तों दूसरे साइड के रोकर को फिट करनी है। दोस्तों ये है दोस्तों ये एग्जस्ट की तरफ की रोकर, इसका जो कैमशाफ्ट बूस है वो छोटी है। इसका जो रोकर बूस है वो छोटी है, ये एग्जस्ट की तरफ की बूस,
और ये इनलेट की तरफ की बुझ देख सकते हो थोड़ी सी बड़ी है, उसका सुनने वाला है हमारा मिंजुगला नूतन नूतन। दोस्तों हेड पूरी तरह से रेडी हो चुका है, अब हमें इसे इंजन में फिट करना है।